राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए मशहूर पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि फिर से नई पार्टी बनाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को वो अपनी नई पार्टी के नामों की नाम घोषणा करेंगे। बिहार में जो लालू और नीतीश राज से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए वो नई पार्टी के साथ लोगों को जोड़ेंगे और बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। बताते चले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पहले बिहार के लगभग सभी दलों में शामिल हो चुके हैं। वो कई बार अपनी पार्टी भी बना चुके हैं। इस बार फिर से वो अपनी पार्टी बनाएंगे। इसके बाद बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के खिलाफ ताल ठोकेंगे। सभी समुदाय के लोग बुलाया था, जाति समुदाय के लोग को, तो उसमें टॉपिक ही था कि बिहार में नई पार्टी बनाई जाए या नहीं बनाई जाए, तो किस मैटर को बनाई जाए। तो सभी वक्ताओं ने मुख्य रूप से एक ही बात कहा कि विगत 15 साल लालू जी का शासन और 16 साल नीतीश कुमार के शासन से बिहार की जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। जिंदगी के हर क्षेत्रों में हर फैसल जो फेलियर हो चुके हैं और ये दो खानदान का शासन बिहार में चल रहा है। ये राजतंत्र के रूप में राज कर रहे हैं, इसलिए राजतंत्र डेमोक्रेसी में नहीं चलता है, लेकिन इन लोग उसी तरह से यूज़ हैं। तो सब लोगों का राय है कि हम लोग नई पार्टी बनाए और सभी लोगों ने एक तरह से सभी लोग के राय से करेंगे, लेकिन उन्हें बताया किया गया है कि आप नई पार्टी बनाए। नई पार्टी का हम लोग ने जो बनाने का मन बनाया है उसमें अमर शहीद जयदेव प्रसाद का जो थीम है, सिद्धांत है, विचार है, उसके अंतिम नई पार्टी बनाई है। तमाम जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, मुसलमान हैं, अनुचित जात के गरीब लोग हैं, तमाम लोगों को हम लोग चाहिए। मेरे पिता अमर शहीद जयदेव प्रसाद के बारे में पूरा तिरंगा फैलाए गई कि जयदेव प्रसाद उसी जात के खिलाफ है, बिल्कुल गलत है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि ऊंची जात के जो लोग गरीब हैं वो भी शोषित है, उनको भी पढ़ाई लिखाई की अति आवश्यकता है। इसलिए हम सभी जाति समुदाय को लेकर के चलेंगे। साथ ही साथ पोलिटिकल निर्णय भी हुआ है कि बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। अगर सपोर्ट करिएगा कि सभी जाति समुदाय के लोग मुसलमान हुआ, इन्होंने बोलिए कोई भी बोलिए, जबकि यह सेकंड नंबर का इलाज है। तो हमारी पार्टी का इलाजिया तौर पर हम लोग सेपरेट तरीके से कार्य करना चाहते हैं, आम जनता के बीच संवाद करके करना चाहते हैं कि सभी जाति समुदाय से बना, इसलिए कोई भी समाज को मुख्यमंत्री बनाना हमारा पार्टी का उद्देश्य है। साथ ही साथ कोई के बाद सबसे नेगेटिव कौन मुसलमान है उससे भी एक पोजीशन। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।